CBR का जो ये रबर होज है इसको चेंज करने वाले हैं, और पल्सर 220 का स्टील ब्रेडेड लगाने वाले हैं इस पर। इससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ये जो वायर है ये रबर की आती है और हम लोगों को जो लगाना है वो स्टील की आती है। तो ये काम करने के लिए हम लोगों को लगने वाले हैं 12 नंबर का स्पैनर, स्टैनली का या फिर कोई भी ब्रांड का अगर आपके पास होगा रैचेट वाला, तो ये एक 10 mm होगा और ये एक 8 mm का होगा। इतनी चीज़ें लगने वाली है बस। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग केबल को लूज़ करेंगे, यहाँ जहाँ पे वो क्लैंप्स पे लगा हुआ है इसको हम लोग करेंगे। तो आई होप ये खुल जाए। सम टॉर्क टाइट है, तो टॉर्क पे टाइट है, मतलब आवाज़ किया ना उसे, इसका मतलब था वो टॉर्क स्पेक पे टाइट था। ये एक निकला, चलो अच्छा। इसका वेल्डेड इस साइड का स्क्रू, इसको खोलने के लिए ऐसे ऐसे उसको एक्सपेंड करना पड़ता है बहुत, और फिर इसमें से ऐसे बाहर आ जाता है। और ये वापस लगाना पड़ेगा क्योंकि मडगार्ड इसी पे लगा हुआ है, तो इसको वापस यहाँ लगाना पड़ेगा। बट देखते हैं इसमें से अगर स्टील ब्रेडेड वाली वायर निकाल पाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसको अच्छे से वापस ऐसे, ये एक चीज़ निकल गई। फिर एक यहाँ पे एक सेंटर में अंदर ये वाले को हमें खोलना है। तो ग्रीस लगाना पड़ेगा एक बार वापस लगाते हो, ग्रीस से उसको लगा देंगे अच्छे से। ये देखो नट का हालत, सड़ गया है पूरा नट, पूरा वाइट वाइट हो गया। वही वेदर ही ऐसा है ना इधर का, महाराष्ट्र का वेदर ही ऐसा है, कुछ बचता नहीं है इधर। ठीक है, अब इसको भी निकाल देते हैं क्लैंप को, और फगाना पड़ेगा उसको। फगाने के बाद ये आ गया बाहर, ये है सेकंड क्लैंप, और ये सब लगाना है वापस, फेंकना नहीं है ये सबको, क्योंकि ये सब मिलते नहीं है वापस होंडा में। होंडा वालों का वैसे ही स्टॉक का प्रॉब्लम है लाइफ में हर चीज़ का, ठीक है ना। तो ये जो क्लिप है इस पर थोड़ा सा हम लोगों ने ग्रीस लगाया सस्ता वाला, और सस्ता वाला ग्रीस लगाने के बाद एकदम आराम से वो पुड़क करके निकल गया। ओके, अब हम लोगों को केबल निकालना है। तो कहाँ से शुरू करें, नीचे से? हम लोगों को जहाँ पे केबल लगी है उस नट को खोलना है, उसको बैंजो बोल्ट बोलते हैं। और इसका बैंजो बोल्ट थोड़ा इस साइड का अलग दिखता है और ऊपर का गोल गोल होता है थोड़ा दिखने में, तो उससे हमें समझ में आता है कि ऊपर कौन सा पार्ट होता है और नीचे से कौन सा। तो इधर 12 mm का हम लोगों को लगाना है स्पैनर, और हो सके तो ये वाला साइड का, क्योंकि ये वाला साइड ज़्यादा अच्छे से पकड़ता है नट को, और इसको हमें खोलना है टाइट। हम लोग इसको अभी एक मैकेनिक से खुलवा के लाए हैं। इस नट को हम लोगों ने 4 साल से खोला नहीं था, तो ये नट खुल नहीं रहा था, तो इसको खोलने के लिए वो लंबा वाला जो स्पैनर होता है उनके पास टॉर्क लगाने के लिए, वो उसने यूज़ किया टी स्पैनर। तो अब हम लोग अभी गरीब स्पैनर से खोल सकते हैं इसको आराम से। तो खोलने के लिए भैया ऐसा मत करो, आने वाला है हाथ में भी। ठीक है, ये निकल गया इतना, ठीक है। कभी भी कोरोसिव ऑयल को पोंछ लो अच्छे से, तो अभी नीचे का हम लोगों ने निकाल के उसमें डब्बा डाल दिया है, और अभी इसको खोलना पड़ेगा ऊपर वाले नट को। खुला गया? खुला, हाँ। अभी इसमें से भी दही निकलने वाला है, रेडी हो जाओ। फिर इसके अंदर कॉइल, तो ठीक है, इसको इसमें लपेट ले, और इसको प्यार से दिखा उसमें, ये पूरा आ गया हाथ में, इसको रख देना है साइड में। हाँ, यहीं पर रख दिया, नहीं ये निकालने का है। बजाज 220F, प्यारा प्यारा
जो दिखने में ऐसा छोटा लगता है लेकिन उसको खोलने के बाद ही बड़ा हो जाता है। यहाँ पे फंसा था उसको, यहाँ से ऐसे आएगा ये। ऑलराइट, सो यहाँ पे कनेक्टिंग क्या बोलते उसको क्लैंप है यहाँ पे एक, और इसका जो रबर है वो यहाँ पे है पल्सर का। तो मतलब पल्सर में थोड़ा ऊपर लगता होगा यहाँ पे, लेकिन अपने CBR में इधर लगता है, इसलिए इसको नीचे लाने के लिए इतना प्लास्टिक काटना पड़ेगा अपने को। और प्लास्टिक काटने के लिए अपने पास है क्या, ब्लेड। ब्लेड से काटेंगे, इतना काट के इस रबर को नीचे लाएंगे ताकि वो यहाँ पे लगे। सो अभी लगा दिया इस पर स्टील ब्रेडेड लाइन, ये जो है ये इसके अंदर जा रहा है मस्त। और फिर हम लोगों ने इसको बस एक ही जगह पे माउंट किया है एकदम सेंटर में यहाँ पे। ये जो दोनों जो सस्पेंशन का जो मेन ट्रिपल क्लैंप है उसके बीच में एक होल्डर है, उस पर हम लोगों ने लगा दिया है उसको। फिर जब हम लोग जब इसको टर्न करते हैं तो वो जो वहाँ पर जो वायर है वो लिटरली मूव होती है। तो उसकी वजह से बेंड नहीं होगा और फिर एकदम आराम से ये आ रहा है ऐसे और इसमें लग रहा हुआ है। तो एकदम स्मूथ बेंड रखा है इसलिए जानबूझ के, ताकि जब गाड़ी का सस्पेंशन दबेगा तो ये पार्ट धीरे धीरे बेंड होगा और ये वाला पार्ट धीरे धीरे बेंड होगा, मतलब एक एस बनेगा, अपोजिट एस ऐसे। तो उससे एक ही जगह पे बेंड नहीं होगा, पूरा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि स्टील ब्रेडेड लाइंस अगर ज़्यादा बेंड होती है तो टूट जाती हैं, क्रैक आ जाता है उसके स्टील में। ऑलराइट, सो लगा दिया है, अब शुरू करते हैं ब्रेक वापस, हम लोग इसमें फ्लूइड भरते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसमें भरेंगे ब्रेक फ्लूइड। इसको खोलने के लिए लगेंगे हमें स्टार वाला ये, और ऐसे काफ़ी अलग अलग शेप्स के आते हैं, दिखते स्टार हैं बट उनका डेप्थ अलग होता है इसका। सो खोलने के पहले आप अच्छे से उसको चेक कर लेना कि कौन सा उसमें अच्छे से लगता है, वरना आप इसको स्ट्रिप कर दोगे और फिर इसको खोलना मतलब बहुत टेंशन हो जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये वाला एकदम आराम से खुलता है, कोई टेंशन नहीं है इसको। और ब्रेक फ्लूइड कौन सा डालना है वो यहाँ पे लिखा होगा, .3 और .4 वही डालना, उसके अलावा कुछ डालोगे तो I don't take any responsibility।